नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गांव शहर 25 बड़ी खबर शाम के समाचार के साथ। और यहां पे पहली बड़ी खबर की आ रही है कि तीन प्लेट के विस्तार से 1000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में थे। उन्होंने तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL परिसर में CRM3 कोल्ड रोलिंग मिल यूनिट का शिलान्यास किया। यहां सीएम ने कहा है कि टाटा स्टील इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बताया जा रहा है कि उद्योग के विकास में मदद करेगी सरकार, हेमंत सोरेन ने कहा। जमशेदपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों के विकास में भरपूर मदद करेगी ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, झारखंड तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। तीन प्लेट की ओर से इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। टाटा स्टील के CMD DV नरेंद्र ने कहा कि जिंजर होटल तो झारखंड में है ही, ताज होटल भी यहां खुलेगा। तो वही दूसरी ओर रांची में टाटा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि राज्य में जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके संपर्क में वह लगातार बने रहते हैं, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रांची में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार है, बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा और राज्य की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में होगी ताज होटल की स्थापना। श्री सोरेन ने कहा कि टाटा घराने का होटल उद्योग में भी अहम योगदान है, हमारे राज्य में खनिज संपदा तो है ही, पर्यटन की भी असीम संभावना है। टाटा घराना झारखंड में ताज होटल की स्थापना करने वाली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में संताल परखना के साहिबगंज में कुछ असमाज तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी, लोगों ने NH 3080 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में जमकर पथराव किया गया, एक धार्मिक स्थल को भी आग के हवाले कर दिया गया, उसमें मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है। स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, नियंत्रण में की गई है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। DC SP ने खुद फ्लैग मार्च किया है। दिन में करीब 1:15 बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर चतरा पलामू सीमा पर मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान समेत 5 माओवादी मारे गए। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों में मिलकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया, ऐसी सूचना आ रही है। बताया गया है कि मुठभेड़ चतरा पलामू सीमा पर हुई नियमित गश्त पर गए सुरक्षा बलों के जवानों पर माओवादियों ने गोली चलाई थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। खबर है कि मुठभेड़ में गौतम पासवान समेत 5 नक्सली मारे गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर जानकारी है गिरिडीह से। गिरिडीह जिला के गांवा थाना क्षेत्र के जमडा तारपुर में रहने वाले एक शख्स ने अपनी 12वीं पत्नी की हत्या कर दी। इसमें पहले वह अपनी 11 पत्नियों को प्रताड़ित करके छोड़ चुका है। जानकारी के अनुसार घटना रविवार देर रात की है, जहां तारापुर में रहने वाली 40 वर्षीय सावित्री देवी की हत्या उसके पति रामचंद तुरी ने लाठी डंडे से पीट कर कर दी। बताया जा रहा है कि सावित्री देवी रामचंद तुरी की 12वीं पत्नी थी। मृतक के 3 बेटे और 1 बेटी भी है। बचले की घटना के बाद पूरे इलाके में शोक छा गया और ग्रामीणों ने हत्यारे पति के खिलाफ आक्रोश भरा है। बताया जा रहा है कि रविवार रात वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में था और शराब पी रहा था। इसी बीच कुछ बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान रामचंद तुरी ने सावित्री को इतनी बेरहमी से मारा कि उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी ओर पलामू में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, आकर्षण का केंद्र रहे चांदी के घोड़े। बचले के पलामू जैन समुदाय के लोगों ने धूमधाम के साथ महावीर जयंती मनाई। इस शोभा यात्रा में महिलाएं अहिंसा धर्म परमो धर्म का नारा बुलंद करती हुई चल रही थी। बता दें कि इस शोभा यात्रा में महिलाओं के साथ पुरुषों की भी भागीदारी रही। पलामू के जैन समुदाय के कई लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। बचले की साथ ही बता दें कि शोभा यात्रा के मार्ग पर जगह जगह पर रथ पर सवार भगवान महावीर की आरती की गई। यात्रा के दौरान जिस भी इलाके से यह गुजर रही थी वहाँ के स्थानीय लोग रथ पर सवार भगवान महावीर की आरती कर रहे थे। बता दें कि इस पूरे शोभा यात्रा में लोगों के आकर्षण का केंद्र चांदी के घोड़े रहे। रथ के सामने चांदी के घोड़े
आकर्षक लग रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की दयामणि बारला का नाम यूमास लोवेंस 2023 ग्रिल स्कॉलर के लिए नामित किया गया है। पहले के झारखंड की पहली आदिवासी पत्रकार और आयरन लेडी के नाम से मशहूर दयामणि बारला को यूमास लोवेंस 2023 ग्रिल स्कॉलर के लिए नामित किया गया है। मैसाचुसेट्स लोवेल विश्वविद्यालय के एक अंग्रेजी प्रोफेसर ने इस बारे में कहा कि नोबेल विश्वविद्यालय शांति अध्ययन के लिए 2023 यूनानी विद्वान के रूप में दयामणि बारला का स्वागत करने के लिए रोमांचित है। स्वदेशी पर्यावरण और लैंगिक न्याय के लिए उनका काम हम सभी को प्रेरित और एकजुट करता है। तो वहीं दूसरी वो 5 से 16 अप्रैल तक झारखंड भाजपा मनाएगी सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह। प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य में 5 से 16 अप्रैल तक सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई है। इस बैठक पर इस मौके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर समरसता बढ़ाने का कार्य करती रही है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में पहली बार 3.2 लाख यूनिट खून संग्रहित, फिर भी लक्ष्य से कम बताया जा रहा है। झारखंड में पहली बार 3,20,294 यूनिट खून का संग्रहण हुआ है। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इसकी पुष्टि की है। जेसेक्स के अनुसार हर साल राज्य में 3.50 लाख यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन अब तक राज्य लक्ष्य के इतने करीब नहीं पहुंच पाया था। हर साल 1.50 से 1.75 लाख यूनिट खून कम संग्रहित हो पाता था। हालांकि इस साल लक्ष्य ने 2,29,706 यूनिट खून कम संग्रहित हुआ है। तो वहीं बचाले के 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान। ऑक्सीजन पार्क में रविवार को सरकार की 60-40 वाली नियोजन नीति के विरुद्ध हथियार अस्थायी नियोजन नीति की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों की बैठक हुई थी। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेरा और 10 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा। बैठक में झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाप समी, छात्र नेता मनोज यादव, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो, युगल भारती आदि मौजूद थे। इमाम समीप ने कहा कि घेराव बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। गैर जिम्मेदाराना बयान या अन्य गतिविधि करने वाले असामाजिक तत्वों को आंदोलन से बाहर किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खान लीज आवंटन मामला में हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब। 1 मई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सीएम हेमंत सोरेन के खान आवंटन मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी है। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की ओर से पीआईएल दाखिल किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो वहीं दूसरी ओर मिड डे मील घोटाला आरोपी संजय तिवारी का सिलेंडर 100 करोड़ का घोटाला पीएमएलएल की स्पेशल कोर्ट ने जारी किया था वारंट। जिले के राज्य में 100 करोड़ रुपए से मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने सरेंडर कर दिया है। संजय तिवारी ने ईडी कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया है। प्रोविजनल बेल के बाद फरार चल रहे संजय तिवारी की गिरफ्तारी का वारंट पीएमएलएल कोर्ट ने 31 मार्च को जारी किया था। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उस पर काफ़ी दबाव बन रहा था। इधर पुलिस और ईडी दोनों सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे थे। बढ़ती दबिश की वजह से ईडी कोर्ट में संजय तिवारी ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं दूसरी वो सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, कहा सत्य मेरा अस्त्र। कोर्ट कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को आज चुनौती दी। सेंसन कोर्ट से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। चले कि राहुल गांधी ने सूरत के सेंसन कोर्ट के से जमानत मिलने के बाद फौरन ट्वीट किया। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा वह मित्रकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सत्य ही उनका अस्त्र है। उन्होंने ट्वीट किया यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से 651 आवश्यक दवाइयों की कीमतों में 7% तक कटौती की गई है। भारत के आम
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को 651 आवश्यक दवाइयों की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इन दवाइयों की कीमतों में करीब 7% तक कटौती की है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोलर ऑर्डर 2023-13 के प्रावधान अनुसार हर साल 1 अप्रैल से थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी आवश्यक दवाइयों के दाम बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। इन संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल की खबरें बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा झारखंड से जुड़ी हर खबर लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलते किसी नया खबर तो जुड़े रहिएगा JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।